मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत। बता दें कि मामला चंदौली के मनराजपुर गांव का है। आरोप है कि दबिश देने गई पुलिस ने कथित गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटियों को बुरी तरह से पीटा। पुलिस की मारपीट से कन्हैया यादव की एक बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सैयद राजा थाने के प्रभारी आरोपी उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इसके बाद इस पर केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से चंदौली के सैयद राजा में घटना हुई है और उसको इस पूरी घटना को किस तरह देख रहे हैं, पुलिस ने अभी चोट के निशान भी उस पीड़िता के शरीर से पाए हैं, तो क्या कहेंगे आप एज ए डिप्टी? अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। नहीं, जो आरोप है वो संज्ञान में, मुकदमा लिखा है, विवेचना होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। चंदौली की घटना के बाद यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस घटना में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस पर आरोप है कि उसने दो बहनों के साथ मारपीट की, जिसके कारण एक बड़ी बहन की मौत हो गई। इसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और FIR दर्ज की गई। वहीं एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। अब इस मामले पर चंदौली SP अंकुर अग्रवाल का बयान आया है। आइए दिखाते हैं आपको भी उन्होंने क्या कहा। सैयद राजा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला का मृत्यु होना ताया जा रहा है। इसमें यह अवगत कराना है कि एक कन्हैया यादव जो सैयद राजा में, जिनके ऊपर गैंगस्टर है, उनका FBW निकला हुआ था। पुलिस लगभग 4:30 बजे इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया, उसकी जनरल आई GD की एंट्री भी है। पुलिस अपनी दबिश देने के लिए गई, इसमें महिला फोर्स भी थी और सब इंस्पेक्टर्स भी थे और उसका वीडियो भी है। और पुलिस उनके घर पर गई जहाँ पर कन्हैया यादव नहीं मिले। उसके बाद पुलिस आगे चली गई और शाम के लगभग 6 बजे के आसपास ये वीडियो और ये अवगत कराया गया कि महिला की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया एक जांच मेरे द्वारा बिठाई गई है, जिसमें एडिशनल SP सदर द्वारा ये जाँच की जाएगी और अगर किसी भी पुलिस की लापरवाही आती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो महिला की मृत्यु हुई है वो घर के किसी कारण या सुसाइड के कारण हुई है। हालांकि तब भी हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और इसमें उचित पुलिस बल मौके पर मौजूद है और शांति व्यवस्था को बनाया जा रहा है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।